देखना मैं एक कोट हमेशा करता हूँ, वो परमहंस योगानंद जी का करता हूँ, चाइल्ड इज बॉर्न ऑफ द डे एंड द आवर व्हेन द सेलेस्टियल रेज आर इन मैथमेटिकल हार्मोनी विद इंडिविजुअल कर्म। तो मैं हमेशा कहता हूँ ये बात को कि बच्चा तब पैदा होता है जब वो समय आएगा, तभी, अदरवाइज पैदा नहीं होगा। उसकी आत्मा जो है वो एक शरीर को ढूंढ रही होती है, और वो शरीर जो है माँ के पेट में जो है तैयार हो रहा है, और उसको जो अप्रोप्रिएट शरीर दिखता है तभी वो उस आत्मा में प्रवेश करता है। ये सृष्टि की कॉन्शियसनेस है। एक कॉन्शियसनेस इस टाइप से एक्सप्लेन की जा सकती है कि भाई जो स्पर्म है, मतलब मेल स्पर्म ह्यूमन का, फीमेल के ह्यूमन फीमेल के ही ओवम को फर्टिलाइज कर सकता है, वो हाथी के को नहीं कर सकता। लायन का स्पर्म जो है हथिनी के एग को नहीं फर्टिलाइज कर सकता। और दूसरी एडिशनल बात है कि जो बच्चा पेट में वो आ गया, जाइकोट बन गया, जो ओवम और जो स्पर्म मिलता है तो जाइगोट बनता है, तो वो ह्यूमन जाइगोट है, तो आंखें कहाँ लगेंगी, नाक कहाँ लगेगी, वो सारा जो है कॉन्शियसनेस है। ऐसा नहीं है कि मेरा बच्चा होगा तो उसकी सूंड निकल आएगी, वो नहीं होगा कि आंख यहाँ लग जाएगी, ऐसा भी, ये कॉन्शियसनेस। डेथ होती है तो वो मेरा लेक्चर आप लोगों ने सुना ही होगा, आत्मा लिबरेट हो जाती है। आत्मा लिबरेट होने के बाद वो शरीर ढूंढ रही है, और शरीर जो है वो माँ के पेट में तैयार हो रहा है, और जैसे ही वो चाइल्ड जो है माँ के पेट से निकलता है या नाल कटती है तो उसमें आत्मा को लगता है ये मेरे लिए शरीर बना है, वही आत्मा वहां पर प्रवेश कर जाती है। ठीक है, ये एक यूनिक सी बात है जो हमको एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में शायद कहीं ना दिखे, न्यूमरोलॉजी में तो बिल्कुल नहीं दिखेगी, कि सबका थंब या फिंगर के इंप्रेशन अलग होते हैं, करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों जब तक तो लोग आज तक पैदा होंगे और आज के बाद भी पैदा होंगे, तो ये कहाँ बन रहे हैं, माँ के पेट में बन रहे हैं। जो आपका 15 साल में आपने समझ लो आधार कार्ड बनवाया, 20 साल में बनवाया, 25 साल में बनवाया, 5 साल में बनवाया, पूरी जिंदगी अंगूठे का छाप वही रहता है, अंगूठे का छाप रहता है। नहीं तो फिर गवर्नमेंट रोज कहती है आधार कार्ड हर साल में चेंज कराओ, 5 साल में चेंज कराओ, ड्राइविंग लाइसेंस भी चेंज कराती है, ये तो नहीं कराती ना चेंज, वो सेम है। आईज का भी होता है, फिंगर्स का भी, वो चेंज कब बन रहा है, कहाँ बन रहा है, माँ के पेट में बन रहा है, वो चेंज नहीं होता है। इसका मतलब जो है, जो फिर वही बात वही रिपीट आ जाएगी कि जो परम योगानंद जी कहते हैं चाइल्ड इज बॉर्न ऑन द डे एंड द आवर व्हेन द सेलेस्टियल रेज आर इन मैथमेटिकल हार्मनी विद इंडिविजुअल कर्म, आपके पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से जैसे माँ के पेट में जो प्रोडक्ट तैयार हुआ है वो अप्रोप्रिएट है उस पर्टिकुलर आत्मा के लिए, आत्मा उसमें प्रवेश करेगी। तो बिफोर बर्थ कुछ चीज तैयार हो चुकी है, आपकी ये इंप्रेशंस बताते हैं, कुछ चीज कुछ प्रोडक्ट आप तैयार हो चुके हो, बाकी आप अपने कर्मों से तैयार हो। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में क्या होगा कि जो आपकी पत्री बन गई, छावड़ा साहब 1970 समझ लो, 5 फरवरी 1970 को पैदा हुआ एग्जाम्पल के, तो एक न्यूमरोलॉजी का चार्ट बन जाएगा, सुबह 6 बजे पैदा हुए एस्ट्रोलॉजी का चार्ट बन जाएगा, वही हम रीड करेंगे। लेकिन पमिस्ट्री में ऐसा नहीं है, पमिस्ट्री में ये जो आपके ये इंप्रेशन है ये तो माँ के पेट में बन गए, बाकी चीजें चेंज होंगी, बाकी और क्या क्या चीजें होंगी वो मैं सारी लिख देता हूँ। तो बिफोर बर्थ क्या चीज बनेगी आपकी, थंब इम्प्रेशन ये आपका बन गया, फिंगर टिप्स ये आपकी बन गई, ये चेंज नहीं होगी आप,
और फिंगर टिप्स और थम इम्प्रेशन है इसके ऊपर, जो आपके प्रिंट्स हैं वो माँ के पेट में बन गए, बात खत्म, वो चेंज नहीं हुए। ठीक है, वो कई टाइप के होते हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। एक कोई मतलब स्पेसिफिक टाइप तो होंगे होंगे, फिर उसके अंदर फर्दर उसके मतलब जो है अलग अलग होंगे, तो एक बेसिक वो फॉर्म अलग होगा ही हर एक फिंगर टिप का, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो ये थंब इम्प्रेशन फिंगर टिप पहले बन जाते हैं बिफोर बर्थ, ये पूरा बन बिफोर। सेकेंड है शेप ऑफ द आई, शेप ऑफ दी हैंड जो है जीरो टू 8 ईयर्स लगते हैं, मतलब 8th ईयर तक जाके कंप्लीट होता है शेप ऑफ दी हैंड। शेप ऑफ जो बर्थ होने के 8 साल तक बनता है, बर्थ बनता शेप ऑफ दी हैंड क्या है मैं समझा दूंगा, इंप्रेशन समझ गया आप ये जो। ठीक है, अभी इसका मीनिंग सारे मैं बताऊंगा। ये माँ के पेट में ये नहीं चेंज होते, तो पेट में ही बन गए। शेप ऑफ दी हैंड 5 होते, 5 बेसिक शेप ऑफ दी हैंड, वो मैं भी बताऊंगा। उस 0 से 8 साल तक बन, ज्योतिष में और न्यूमरोलॉजी में हमने इस बात पे भी डिस्कस नहीं किया कि एनवायरनमेंट का हमारे पर क्या असर। एक बच्चा जो है पवन जी गांव में पैदा होता है, उधर एक सरपंच का ऑफिस है, एक 5वीं तक स्कूल है, कॉलेज है नहीं, 5वीं के ऊपर स्कूल ही नहीं है तो कॉलेज कहाँ से होगा। ठीक है, 2 या 3 टाइप की खेती होती है, ज्यादा होती नहीं, पहले गेहूं की होती है, फिर वो चावल बो देते हैं, कभी कभी सब्जी बो देते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ है नहीं। और जो गांव के अंदर जो एक्टिविटीज है, त्योहार है, और क्या एक्टिविटी होगी उसके अंदर, बच्चे खेलते रहते, सरपंच वगैरह कोई दिक्कत हो जाए तो पंच जो बैठ के फैसले कर देते हैं। तो बच्चे ने यही देखा मोटा मोटा, और क्या देखा होता है कि भी ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ के घूम लिए, बैल है, बैल पे चढ़ लिए, गाय का दूध फ्रेश पी लिया, मुंह से थन से मुंह लगा के वो पी लिया, वो शहर में पॉसिबल नहीं है। तो यही सब चीज उसने देखी, और ये बहुत सारी चीजें नहीं है, लेकिन वही बच्चा है अगर शहर में कोई पैदा होता है तो बहुत ज्यादा एक्टिविटीज है, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, एम्बुलेंसेज हैं, इतनी सारी कारें हैं, बसें हैं, हवाई जहाज हैं, ट्रेन के बड़े बड़े मतलब स्टेशन हैं वहां, तो एक है स्टेशन है, दिन में एक ही बार गाड़ी रुकती है, और स्टेशन है तो एक बार रुकती है, कोई एक आधी गाड़ी जाती है जाते हुए 3 या 4 पूरे दिन में, यहाँ तो धनाधन चल रहा है, चीजें चेंज हो रही है, धनाधन धनाधन, सामने के 4 मकान टूटे, 4 नए बन गए, ये सड़क नई बन गई, सड़क के ऊपर पुल बन गया, पार्क रीफेस हो गया, मतलब कोई और नई नई चीजें बनती रहती हैं शहरों के अंदर, तो रोज कुछ ना कुछ होता जा रहा है, मोबाइल धनाधन चेंज हो रहे हैं, आज ये लिया कल वो लिया, तो बहुत चेंजेस हो रहे हैं। तो उस चेंजेस का फर्क जो है बच्चे के ऊपर, शहर के बच्चे के ऊपर ज्यादा पड़ता है, वो गांव वाले के ऊपर कम पड़ेगा, तो एनवायरनमेंट का फर्क पड़ेगा। कब पड़ेगा? 0 टू 8 ईयर्स, उसके बाद वो फिर अपनी जो इफेक्ट जो उस सॉरी पहले उस पे इफेक्ट पड़ रहा है, फिर वो इफेक्ट डालने लग जाता है, पहले उस चीज को समझने लगता है 0 टू 8 ईयर्स क्या हो रहा है, फिर वो अपना असर दिखाना शुरू करता है जो वो बन गया। उसके बाद है लाइन्स एंड सिंबल्स, तो ये इफेक्ट डालता है आपकी जिंदगी के ऊपर 50%, ये डालता है 25%, और ये डालता है 25%, दिस इज द कर्व। तो ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी में
कर्म की बात नहीं है, तो इसमें कर्म की बात भी है। तो केमिस्ट्री, हाउ केमिस्ट्री इज डिफरेंट फ्रॉम न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी एंड इट इज, ये डिफरेंस आ गया इसके अंदर कि इसके अंदर हमने तीन चीजें हाईलाइट करी। पास्ट बर्थ, एक तरीके से इसको पास्ट बर्थ कहते हैं, पास्ट बर्थ के इफेक्ट वो फिक्स है 50%, 25% हो गया हमारा एनवायरमेंट का असर हम पे क्या पड़ता है, 25% अब हमारा कर्म है, उसी में हम खेलते। तो मैं बार बार जो बात करता हूँ, ये बच्चा पैदा हुआ बिल्कुल गरीब के घर, गरीब के घर, गरीब जो आदमी है जो भिंडी बेचता है, तो वो सबको बाबूजी कहेगा, बच्चा उसके साथ ही बैठा होगा, तो 24 घंटे ही सुनता है कि सब बाबूजी हैं, बस मेरा बाप ही जो है वो बाबूजी नहीं बना। तो ये बाबू जी जो है पैसे दे जाते हैं तो हमारी रोटी चलती है, उसके दिमाग में घुस जाएगा। और एक लड़की भी आती है वहां पर, लड़की की माँ आती है लड़की को लेके, हमेशा कार में ही बैठी रहती है, उसके वक्त कुत्ता भी है, तो बच्चे की हालत क्या होगी उसको देख के। वो कभी इस, मतलब उसके लिए ड्रीम होगा कार कुत्ता, तो उसको बड़ा अजीब सा लगेगा, कुत्ते को पालते हैं वो, कुत्तों के साथ तो वो खेलता रहता है बाहर गली में कुत्ते से, वो है कुत्ता यार बड़ा मौज कर, उसको ये लगा कुत्ता ही है इतना बिस्कुट उठ के खा रहा है ना। अब उसके मनस पटल पे क्या असर पड़ता है, वो 0 to 8 years, तो उसके दिमाग में घुस जाती है बात बिल्कुल अंदर तक एनवायरनमेंट कि ये हम नहीं हो सकते। उसके बाप और माँ जो है डिस्कशन भी कर रहे होते हैं, तो यही है कि इसको उसे स्कूल में डालना है ऑब्वियसली, जिसके अंदर मतलब वर्दी भी फ्री, ये भी फ्री, वो भी फ्री, फिर क्या आगे इलेक्शन आएंगे, दारू फ्री, हम मिडिल क्लास के हैं, कहाँ ये सब चीजें हमारे को लग्जरीज है कि हमको जो नेताजी जो है दारू की बोतल देते हैं इलेक्शन में, हमें तो नहीं मिलते। हमने बच्चे को स्कूल में भी डालना है तो बड़ी मान ली परेशानी है मिडिल क्लास लोगों को। तो वो बच्चा शुरू से के दिमाग में आया कि हम फ्री गए आदमी है, पहली बात फ्री का आटा, फ्री का चावल, फ्री का ये सब कुछ। दूसरा, मैंने इनकम टैक्स नहीं देना, डरेगा इनकम टैक्स देने से, क्यों डरेगा, क्योंकि तो उसका ये फ्री का चला जाएगा, तो ये रीजन होगा कि वो अभी मिडिल क्लास नहीं बनना चाहेगा, मिडिल क्लास कभी गरीब नहीं बनना चाहेगा, तो उसकी तो स्टेटस ही पिट गया। मिडिल क्लास तो अपने स्टेटस को बचाता रहता है ना, वो अमीर बन पाता ना गरीब, तो वो तो आप समझते हैं मेरी बात, वो माइंडसेट हो वो जाता है। माइंडसेट, ठीक है ना, माइंडसेट, वो माइंडसेट की बात। अब उसकी शादी भी होगी बच्चे की, जिसका जिसके बाप का भिंडी बेच रहा था, शादी भी करना है तो किससे शादी की बात चल रही होगी, टांगे वाले की बेटी से, क्या टांगा तो अब चलता नहीं, ठीक है, या बैंगन वाले की, या फल सब्जी वाले की, या सेनेटरी वाला बताएगा, उसके कॉलोनी में जो आए जैसे लोग हैं वैसे से शादी करेगा। जाहिर सी बात है अंबानी के बच्चे से हो नहीं सकती, मिडिल क्लास के बेटी से हो नहीं सकती, वो जो कुत्ते वाले घुमाने वाली है वो भी अपर मिडिल क्लास भी होते, तो उनसे तो नहीं उसकी शादी का कोई सोच सकता ना, वो ना उससे वो जो है वो लव अफेयर का सोच सकता। तो अब मोहब्बत होगी, विन्नी जी दोनों की मोहब्बत होगी, कहाँ हुई आप समझ सकते हैं, ठीक है। वो मैं तुझसे मिलने आई पार्क में आएगी, तो आएगी नहीं, 5 स्टार में तो जाएगी नहीं, या क्लब में तो जाएगी नहीं, तो पार्क में नहीं जाएगी। अब जो है बाप को पता चल गया, लड़की के बाप को, कि भाई ये तो मोहब्बत चल रही है, तो वो लड़के के बाप जो है पूछ गया कि भाई तो इसको करेले की रेडी लगाएगा, लगा देगा तो मैं लड़की की शादी कर दूंगा, काम धंधा होगा तभी, बिना काम धंधे क्यों ब्याहेगा वो कोई लड़की को, आप। अब वो जो है जब उसके ब्याने की बात आई, तो उसके भिंडी करेला टमाटर आलू जो किया, तो उसकी शादी होती है, उसका फिर वही बच्चा होता है, वो उसी सर्कल में घूमते रहते हैं, रेयरेस्ट होती रह रहा है गरीब अमीर हो, मतलब वो गरीब से बिल्कुल अमीर हो जाना रेयरेस्ट होती रह रहा है, मोदी हो सकता है या बहन मायावती हो सकती है, BMW, रेयरेस्ट होती रह रहा है कि कोई, मतलब यही मतलब चुनिंदा लोग हैं, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है। तो दे बिकॉज दे विल नेवर वॉन्ट टू पे द इनकम टैक्स, जिस दिन इनकम टैक्स दे दिया
उस दिन से वो नेतावली सारी बातें खत्म हो जाएंगी। नेता जो उनको प्रभावित करते हैं वो नेताओं की सारी बातें बेमानी हो जाएंगी। फ्री का कंप्यूटर, फ्री की साइकिल, फ्री का लैपटॉप, फ्री की साइकिल, फ्री का मोबाइल, फ्री की बिजली, फ्री का पानी, फ्री की शिक्षा, फ्री की वर्दी, फ्री की किताबें, और वह दोपहर को क्या मिलता है, खाने को क्या कहते हैं, मिड लंच देते हैं ना, वो क्या उसको डे बोलते हैं, मील सर, सर मिड मिड डे डे मील मील्स, सर मिड डे मील्स, वो नहीं। सारा बंद। एज यू पे इन द डे यू पे इनकम टैक्स, दिस इज ऑल ओवर। ठीक है, वो क्यों जाना चाहेगा इतनी सारी फ्री की चीजें छोड़ के। फिर हाँ, इलेक्शन वाले दिन बोतल, तो एक तो एमपी के इलेक्शन, एक स्टेट के इलेक्शन, एक म्यूनिसपैलिटी के, 3 बार बोतल मिली 5 साल के अंदर। पागल कब, पागल है वो। ठीक, तो ये जो एनवायरनमेंट डिफरेंट पड़ता है, तो जो गरीब को अलग एनवायरनमेंट है, मिडिल क्लास को अलग एनवायरनमेंट मिल रहा है, और रिच को अलग एनवायरनमेंट मिल रहा है। वही जो है वो जो गरीबी पे ऐसे लिखने जाता है वो यही लिखता है, मैं अपने रिश्तेदार के घर गया तो वो इतने गरीब थे, इतने गरीब थे, इतने गरीब थे, कि उनके घर में 3 रोल्स रॉयस थी लेकिन सिर्फ 2 ड्राइवर थे। वो इतने गरीब थे, इतने गरीब थे, इनके इतने गरीब थे, 2 स्विमिंग पूल थे लेकिन गर्म पानी का कोई स्विमिंग पूल नहीं था उनके घर। तो मम्मी जब ये गरीब आदमियों को रोटी नहीं मिलती, भूखे मर जाते हैं, तो ये केक और बिस्कुट क्यों नहीं खाते हैं? उसके दिमाग में यही रहेगा, उसको समझ नहीं पड़ता, पता ही नहीं चलता उसको, पता नहीं चलता कि स्कूल में पनिशमेंट भी मिलती है। अमीर के बच्चे को पता नहीं चलता कैसे अमीर के बच्चे को पनिशमेंट मिलेगी। तो राहुल गांधी के जो टीचर है उसी को पनिशमेंट मिलेगी, राहुल गांधी फेल कैसे हो, राहुल गांधी को थोड़ा ना मिलेगी परमिशन, वो पनिशमेंट। तो टीचर तो है, वो प्रधानमंत्री के बेटे को पढ़ाने जा रहा, तो वो प्रधानमंत्री बनने वाला है, ऑब्वियसली वही बनेगा, पर ये ट्रेडिशन चल रहा है, तो उसकी हिम्मत है प्रधानमंत्री के बेटे को फेल कर दे, तो वो तो दिमाग उन्हीं ही लगा। अब राहुल गांधी बहुत भी गरीब हो जाएगा, चलेगा चार्टर्ड फ्लाइट, चढ़ेगा अनिल अंबानी आपको दिखेगा, इस समय पर बैंकरप्ट है, रहेगा कहाँ, प्रेसिडेंशियल सूट, पवन जी आई कैन नॉट अफोर्ड, यू कैन अफोर्ड, आई कैन नॉट अफोर्ड प्रेसिडेंशियल सूट, प्रेसिडेंट स्वीट के साथ, उसके साथ में जो है मतलब उसके सारे वो जो कर्मचारी साथ में चलते हैं, आज भी चलते हैं, वैसे ही चलते हैं, मतलब बैंकरप्ट होने के बाद भी चलते हैं, मतलब समझ नहीं आ रही है हो क्या रही है इस दुनिया। जो अमीर है सर जी अमीर ही रह जाता है, गरीब है बेचारा उसको पता ही नहीं, हम मिडिल क्लास है, हमें कभी दिखते नहीं है लोग। विल नेवर फाइंड दिस रिच पीपल, ना हवाई जहाज पे, हवाई जहाजों पे दिखते हैं, ना ये 5 स्टारों में दिखते हैं। हम भी जाते हैं 5 स्टारों में, कब जाते हैं, जब शादियां होती हैं तभी 5 स्टार में घुसते हैं, नहीं तो उधर से वो होते हैं, शादी पे आए हो चलो उधर, एंट्रेंस अलग होती है ना शादी वाली, 5 स्टार की, शादी पे आओ चलो उधर जाओ, उधर जाओ, वो वाली एंट्रेंस में घुसे, हम तो सीधी वाली में घुसे भी कभी नहीं। तो ये है जो मैं बता रहा हूं, जो हमारे एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से शेप ऑफ द एंड। ठीक है, अब आ जाते हैं ये जो इंप्रेशंस और ये शेप ऑफ द एंड कौन कौन से होते हैं, इस पे हम डिस्कस करते हैं।